हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटो क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए वैज्ञानिक यंत्र से 25 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे किया जाता है? अल्टीमीटर का। ठीक है, अगला सवाल है, किस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है, यानी किस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है? तो ऑक्सीनोमीटर के द्वारा। ठीक है, यानी ऑक्सीनोमीटर के द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, तीसरा नंबर सवाल है, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फोर नंबर सवाल है, विद्युत धारा और उसकी दिशा की उपस्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा और उसकी दिशा की उपस्थिति जांचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। चलिए अगला है, फाइव नंबर सवाल है, विभवांतर मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे किया जाता है? वोल्ट मीटर का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सिक्स नंबर सवाल है, किस यंत्र का प्रयोग उच्चतम तापमान मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का। ठीक है, यानी पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेवन नंबर सवाल है, किस यंत्र के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? यानी किस यंत्र के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? किसे किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। ठीक है, यानी हाइग्रोमीटर के द्वारा हवा की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए एट नंबर सवाल है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। नाइन नंबर सवाल, मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन की घूर्णन गति के मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? मोटर की घूर्णन गति अथवा वाहन के घूर्णन गति के मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? टैकोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैकोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, दस नंबर सवाल है, तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा ऊष्मीय तथा विद्युतीय चुंबकीय विकिरण मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे किया जाता है? बोलोमीटर का। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल है, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युतीय चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एक्टिनोमीटर का। ठीक है, एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए। चलिए अगला सवाल है, 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है उसे क्या कहते हैं? ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है उसको बाइनोकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनोकुलर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर सवाल है, ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा यंत्र जिससे किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है उसे कम्यूटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूटेटर। ठीक है, चलिए अगला है, 14 नंबर सवाल है, उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी में के अंदर होती है तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है? ठीक है, यानी उस यंत्र को क्या कहते हैं जिसके द्वारा जब पनडुब्बी पानी के अंदर होती है
तो पानी की सतह का अवलोकन किया जा सकता है। क्या बोलते हैं? तो उसको पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, किस यंत्र का गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी किस यंत्र का गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो मैनोमीटर, ठीक है। यानी मैनोमीटर जो है गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, किस यंत्र की मदद से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है? किस यंत्र की मदद से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है? तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है। 17 नंबर सवाल है, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं को देखा जा सकता है। ऐसा यंत्र जिसकी मदद से शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं को देखा जा सकता है, तो एंडोस्कोपी के द्वारा, यानी एंडोस्कोपी के द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों और वाहिकाओं को देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल है, ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्शक माध्यमों का वर्तनांक ज्ञात में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी ऐसा यंत्र जिसकी मदद से पारदर्शक माध्यमों का वर्तनांक ज्ञात में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रिफ्रैक्ट्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्ट्रोमीटर, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्टेथोस्कोप का हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है 20 नंबर सवाल। तो 20 नंबर सवाल है, किस यंत्र का प्रयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग रक्तचाप मापने में किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने में, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल है, 21 नंबर सवाल, समुद्र की गहराई मापने में किस यहाँ पे यंत्र होगा, ठीक है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो फैदोमीटर का, ठीक है। यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं, हृदय की गति मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति मापने में कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कार्डियोग्राम का, ठीक है। अगला है 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल है, ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको रडार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रडार, ठीक है। चलिए अगला है 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल है, ठीक है, 24 नंबर सवाल, ऐसा यंत्र जिससे बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? तो उसको कैलिपर्स बोलते हैं। जो कैलिपर्स जो है बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं, ठीक है, और इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है कैलिपर्स से। चलिए अगला है 25 नंबर है, विद्युत शक्ति की मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत शक्ति की मापने के यंत्र को डायनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनोमीटर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।